हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर प्रतिशत पढ़ेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रतिशत के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत कितना इजी होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है। प्रतिशत का मीनिंग होता है, हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, प्रतिशत। परसेंटेज को क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, देखिए इसका मीनिंग होता है अ फ्रैक्शन या स्पेशल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, हुज डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज कितना होता है, 100 होता है। या बोल सकते हैं एक ऐसा भिन्न जिसका जो हर है वो हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो इससे आपको जैसे बोला गया कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं कुछ ले लूँ, बोला गया कि 3%, तो 3% कहने का मीनिंग क्या हुआ। तो 3% कहने का मीनिंग हुआ 3 डिवाइडेड बाई 100, जिसको आप लिख सकते हैं 0.03। यदि लिखा गया 4.5%, तो 4.5% का मीनिंग क्या हुआ, 4.5 बाई 100, जिसको आप लिख सकते हैं 4.00.0045। यदि बोला गया 1/2%, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/2 × 100, दैट इज 1/2 यानी 1/2 मतलब 0.5 होता है, 0.05%। ठीक है, सॉरी फिर परसेंट बोल रहे हैं, परसेंट नहीं होगा, 0.05। ठीक है, तो 0.05 करने के का मीनिंग क्या हुआ कि 1/200। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यदि आपको परसेंटेज से कन्वर्ट करना हुआ आपको फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, तो आप परसेंटेज को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी बोला जाए कि प्रतिशत को आप बदलिए भिन्न में या फिर दशमलव भिन्न में, या फिर बोला जाए दशमलव भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत को गुना कर देंगे 1/100 से। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो इसे ले लीजिएगा। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रतिशत से यदि भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत वाले भाग को गुना कर देना पड़ता है कितने से, 1/100 से। ओके, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यदि क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछा जाता, अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो जाता था कि 3/4 का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसे पूछा जाता, 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, व्हाट परसेंट ऑफ 4, 3/4 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जिसके बाद में का लिखा हो या जिसके पहले, जिस लेटर के पहले ऑफ लिखा हो, ये हमेशा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ये वैल्यू हमेशा कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इससे कंपेयर किया जा रहा है। जिस अंक के बाद का लिखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे क्या किया गया, तुलना किया गया। ये हमेशा कहाँ जाएगा, हर में लिखा जाएगा। और जिससे तुलना नहीं किया गया है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, अंश में लिखा जाएगा, यानी न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। ये वैल्यू कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात तो समझ में आ गई, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 3/4 × 100। तो 3/4 × 100 लिखेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लेंगे। तो देखिए 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 25, और 25 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 75। तो इसको परसेंटेज में कितना लिखेंगे, 75%। ओके, इसको परसेंटेज में कितना लिखा जाएगा, 75%। यदि मान लीजिए बोला गया 0.2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4,
0.24 का कितना परसेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.2 by 4 इंटू 100। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25, 25 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो गया 50, यानी 0.5 सॉरी यानी कितना हो गया 5%। ठीक है, ये कितना हो गया 5%। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि कुछ वैल्यूज हम लोग देखेंगे जिसको हम परसेंटेज परसेंटेज से डेसिमल में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ऐसे वैल्यूज को देखते हैं। तो देखिए कहने का मीनिंग क्या है कि 100% लिखा जाए, तो 100% कहने का मीनिंग क्या होता है, 1। 100% कहने का मीनिंग क्या होता है, 1। 50% कहने का मीनिंग क्या होता है, 0.5 या 1/2। 25% कहने का मीनिंग क्या होता है, 0.25 या 1/4। 12.5% कहने का मीनिंग क्या होता है, 0.125 और 1/8। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8, और यदि परसेंट यदि आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.125। 6.25% कहने का मीनिंग क्या होता है, 0.06025 या 1/16। 75% कहने का मीनिंग होता है 0.75 और 3/4। 37.5% कहने का मीनिंग होता है 0.375 और 3/8। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले 100 लिखा, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ हमने किया 25, 25 का हाफ किया है 12.5, और 12.5 का हाफ कर दिया हमने 6.25 और 6. अब देखिए यहाँ पे हमने 25 का 3 टाइम्स 75 होता है तो 3 टाइम्स किया है, और 75 का हाफ होता है 37.5। 80% कहने का मीनिंग क्या होता है, डेसिमल में देखें तो 0.80 और फ्रैक्शन में देखें तो कितना होगा, 4/5। 40% को क्या लिखेंगे, 0.40 और 2/5। 20% को क्या लिखेंगे, 0.20 और 1/5। 10% को क्या लिखेंगे, 0.10 और 1/10। 0.5% यानी 5% को क्या लिखेंगे, 0.05 और 1/20। 60% को क्या लिखेंगे, 0.6 और 3/5। 30% को क्या लिखेंगे, 0.30 और 3/10। 66.66% को क्या लिखेंगे, 0.66 और 2/3। 33.33% को क्या लिखेंगे, 0.33 या फिर 1/3। 16.66% को क्या लिखा जाएगा, 0.16 और 1/6। 8.33% को क्या लिखा है, 0.0833 लिखा जाएगा, 0833 और 1/12। 11 होल 1/9% को क्या लिखा है, 0.11 और 1/9। 22 होल 2/9% को क्या लिखा है, 0.22 और 2/9। 9 होल 1/11% को क्या लिखा जाए, 0.09 और 1/11। 14 होल 2/7% को क्या लिखा जाएगा, 0.1428 और 1/7। देखिए इसको डेसिमल के बाद हमने 4 प्लेसेस लिए हैं इसलिए ऐसा लिखा है। 28 होल 4/7% को क्या लिखा है, देखिए इसका ठीक डबल है, तो डबल है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.2857 यानी 2/7। 42 होल 6/7 यानी 14 का, देखिए 14 का 3 टाइम्स किए हैं, 14 का 3 टाइम्स कितना होता है 42, और 2/7 का 3 टाइम्स कितना होगा 6/7, तो ये कितना होगा 0.4285, जो इसको हम लोग 3/7 लिख सकते हैं। 13 होल 1/23 को क्या लिख सकते हैं, 0.1304 और 3/23, और 23 होल 1/13% को क्या लिख सकते हैं, 0.2307, इसको 4 डेसिमल तक हमने लिया, या 3/13। देखिए इसका ठीक है उल्टा है, एक दूसरे का ये रिवर्स है। तो इतने वैल्यू यदि आप याद रखते हैं, और भी ज़्यादा याद रखना पड़ सकता है, लेकिन इतने याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली डील कर सकते हैं, जिससे सिंप्लीफाई करने में बहुत इजी हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्या वर्ड्स हैं देखते हैं। देखिए तो जब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, जब भी दो नंबर के बीच के डिफरेंस की बात की जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा या तो लेस वर्ड यूज किया जाएगा, या मोर वर्ड, या इंक्रीज, या डिक्रीज, या राइज, या फॉल, या प्रॉफिट, या लॉस, या एक्सीड, इस तरह के, या सेंस, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। देखिए अब एडिशन क्या होता है, एडिशन कहने का मीनिंग क्या समझते हैं, एडिशन कहने का मीनिंग होता है कि प्लस। एडिशन कहने का मीनिंग क्या होता है, एडिशन कहने का मीनिंग होता है जोड़। जोड़ कब करना है, जोड़ना कब है, यानी देखिए हमारा किसी भी नंबर का बेस वैल्यू, आधार क्या होता है, बेस कहने का मतलब आधार, आधार कितना हो जाता है, आधार हमेशा 100 हो जाता है, आधार कितना हो जाएगा 100। तो 100 में जोड़ना कब है, जोड़ना कब है, जब इंक्रीज दिया रहे, मोर दिया रहे, राइज दिया रहे, प्रॉफिट दिया रहे, एक्सिट दिया रहे, एसेंड्स दिया रहे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, 100 में, ये 100% होता है, तो 100 में हम परसेंटेज को, इसको वैल्यू को ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इंक्रीज बाय 20% बोला गया, तो 100 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 120%। ओके, तो नेट वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, 120%। आगे देखते हैं,
सब्ट्रैक्शन कब करना है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब घटाओ करना, यानी माइनस करना। घटाओ कब करेंगे? घटाओ अब तब करेंगे जब डिक्रीज लिखा रहे, लेस लिखा रहे, फॉल लिखा रहे, लॉस लिखा रहे, डिसेंट लिखा रहे या डिस्काउंट लिखा रहे। यानी देखिए बेस वैल्यू तो अपना 100 है, अब बोला गया डिक्रीज बाय 20%। अब डिक्रीज 20% बोल दिया गया तो 100 से 20% माइनस हो जाएगा, तो 100 से 20% माइनस हो जाएगा तो कितना परसेंट हो गया? 80%। तो हम लोग इसको समझेंगे कितना परसेंट हो गया? 80%। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक चीज आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है फिर से देख लेते हैं। देखिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान क्या क्या रखना है? पहला पहला चीज ये ध्यान रखना है कि जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे प्रतिशत को 1/100 से। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है? दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को गुणा कर देंगे 100 से। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको कि तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ऐड कब करना है, प्रतिशत में जोड़ना कब है? जोड़ना है जब आपको क्या लिखा रहे? अधिक है, हिंदी में यदि बोले तो अधिक लिखा रहेगा, ठीक है, ज्यादा लिखा रहेगा, ठीक है, लाभ लिखा रहेगा, बढ़ोतरी लिखा रहेगा, बढ़ा दिया गया, ठीक है, बढ़ोतरी या बढ़ा दिया गया, इस तरह के वर्ड यूज किए जाएंगे तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। चौथी चीज क्या ध्यान रखनी है? घटाओ। घटाओ कब करना है, यानी 100 में से माइनस कब करना है? जब लिखा रहे कि कम हानि या ह्रास ह्रास लिखा रहे तो इस केस में क्या करना है? आपको घटाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं सम बेसिक क्वेश्चन। कुछ हम लोग एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7, 5 7 का कितना प्रतिशत है। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका होता है कन्वर्ट 5 इनटू परसेंटेज ऑफ 7, 5 को 7 के प्रतिशत में बदलें। इसी क्वेश्चन को पूछने का तीसरा तरीका होता है व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 5, यानी 7 का कितना प्रतिशत 5 है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को पूछने का ये तीसरा तरीका है। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या देखें, अभी हमने क्या बताया, जिसके जिस अंक के बाद में का लिखा रहे वो हमेशा कहाँ जाएगा? हर में लिखा जाएगा, और जिसमें का नहीं लिखा रहे वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? अंश में लिखा जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/7 × 100। अब 5/7 × 100 कर देंगे तो देखिए कितना हो गया, 500/7%, ठीक है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्निक मैं बताऊंगा। तो एक तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 500 को 7 से डिवाइड करते और मिक्स फ्रैक्शन में लिखते, यानी मिश्र भिन्न में लिख देते। तो देखिए इसको 7 से डिवाइड करते, 7 7 जा 49, बचा 1 10 हो गया, 7 1 जा 7 3 बच गया, 3/7%। तो एक तो तरीका था कि हम लोग डिवाइड करके लिखते। दूसरा तरीका क्या था, देखिए हम ऐसा देखते, यहीं पे हम देखते 5/7, तो ये कितना कम है? 2 कम है। तो 2/7 कहने का मीनिंग होता है, 2/7 कहने का अर्थ हमने हमें पता है कि 28 होल 4/7%, है ना। इसका मतलब 100 से ये वैल्यू माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 100 से 28 माइनस करेंगे तो 72, और यहाँ पे 4/7 तो ये कितना हो गया, 71। अब 1 से माइनस करना है तो 7 में से 4 माइनस, तो 3/7%, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया, 100 - 28 होल 4/7 कर दिया, 28 होल 4/7। अब इसको माइनस करना है तो हमने क्या बताया था, जितना यहाँ पे वैल्यू होगा उससे एक ज्यादा माइनस करना है। आप हमारे लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जो हमने फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया है वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो देखिए 28 यहाँ पे 28 है, तो 100 से 29 माइनस तो कितना हो गया, 71। अब 7 में से 4 को माइनस तो कितना हो गया, 3/7, इतना आपका आंसर हो गया, सॉरी ये 71 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 71, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द पॉजिटिव इंटीजर 7 इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 6। बोला गया है घनात्मक पूर्णांक 7 घनात्मक पूर्णांक 6 के 2 गुने की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। अब 6 का 2 गुना कितना होता है, देखिए 6 का 2 गुना तो 12 होता है,
और बोला गया इसका मीनिंग क्या होगा, बोला गया है कि सात जो है 12 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए कम है, प्रतिशत में कम पूछा गया है, तो सबसे पहले देखेंगे इससे कितना कम है। तो कम कितना है, तो हमको दिख रहा है कि पांच कम है, पांच कम है, ठीक है। अब पांच कम किससे है, तो इस 12 से है, ठीक है। तो पांच कम 12 से है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत क्या लिखेंगे, 5/12 × 100 प्रतिशत, ठीक है। अब देखो 5/12 करेंगे तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो तरीका ये होता कि इसको कैंसिल करते, तो 4 से कैंसिल कर लेते तो 3, और 4 से इसको कैंसिल कर लेते तो कितना हो जाता, 25 हो जाता ना, तो 25 हो जाता, 25 फाइव जा कितना हो जाता, 125, और 125 डिवाइडेड बाई आप क्या करते 3। अब इसको सॉल्व करते तो 3 4 जा 12, अब 3 1 जा 3 बचा 2, तो 6 6 आता, ठीक है, तो 41.66%। दूसरा तरीका क्या करते, दूसरा तरीका ये होता कि हम 5/12 है। अब देखो यदि हमें पता है कि 1/6 का मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है 16.66। तो यदि हम 1/12 लिखें तो क्या होगा, 8.33, ये तो होगा। और 8.33 का यदि हम 5 टाइम्स कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो तो हम लोग क्या करते, 8.33 × 5 कर देते। तो देखो 5 3 जा 15 15 + 1 16 40 + 1 41, तो 41.65%, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे वैल्यू यदि आप याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, तो अब इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैल्यू नहीं याद रखते हैं तो इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओके। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है 4 hours 48 minutes इज हाउ मच परसेंट ऑफ अ डे। बोला गया 4 घंटे 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 4 घंटे 48 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। अभी बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में आपको पूछा जाए तो एक दिन में बोलेंगे कि सर एक दिन में तो 12 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब 12 आवर्स होते हैं, 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अब देखिए 4 घंटे 48 मिनट है, तो अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा, दोनों को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो दोनों को जब घंटे में बदलेंगे तो देखिए कितना होगा, 4 घंटे 48 मिनट को यदि बदलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए कि यदि आप मिनट को, यदि आप मिनट को आवर्स में बदलते हैं, यानी मिनट से घंटे में बदलते हैं, तो मिनट्स को डिवाइड कर देना पड़ता है 60 से, या यूं बोलें कि मिनट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/60 से। तो यदि आपको 4 घंटे 48 मिनट है तो इसका मतलब 4 hours + 48 मिनट ये बोला गया, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 4 + 48/60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इतने आवर्स हो जाएंगे। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से कैंसिल करेंगे या 12 से कैंसिल कर दिए, 12 से 4 और 12 से 5 हो गया, तो 5 का 20 और 4 कितना हो गया, 24, तो 24/5 घंटे, इतने आवर्स हो गए। तो 24/5 घंटे को किससे कंपेयर करना है, 24 से, ठीक है। ये तो मैंने कन्वर्जन करना सिखाया आपको, ये हम लोग बहुत इजिली भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आप क्या लिखते, 24/5 / 5, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 24, डिवाइडेड बाई 24 होता तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 24 × 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा एक दिन का, देखिए 24 से 24 कट गया, 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया, 20%, तो कितना हो गया, 20%। तो इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले क्या करना है, इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा भी तरीका है कि या तो आप क्या करते, ये तो मैंने बताया कि आवर्स में कन्वर्ट कर लेते, दूसरा तरीका क्या है कि आप मिनट में ही रखते। तो पहले इसको 4 × 60, तो 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया प्लस 48 करते, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करते, अब 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो 24 × 60 इतने मिनट होते हैं, और इंटू क्या लिखते हैं, 100, तो इतना परसेंट। तो देखिए अब ये कैलकुलेशन लंबा हो गया, तो ये हो गया 64 + 240 + 48 यदि ऐड करेंगे तो 240 में 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288, तो 288 डिवाइडेड बाई 24 × 60 × 100, ऐसे सॉल्व करना पड़ता। देखिए तो 24 से एक बार में कैंसिल कर दें
तो 24 से वन टाइम में 24 वन जा 24, 4 बचा 24, 2 जा 12 से इसको कैंसिल करते 5 जा, तो ऊपर बचा 1, 5 से 100 को कैंसिल करते 20, तो ये हो जाता 20%। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, उसमें कम समय लगेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया थ्राइस ऑफ फाइव इज हाउ मच मोर देन फोर टाइम्स ऑफ थ्री। बोला गया पाँच का तीन गुना तीन के चार गुना से कितना अधिक है। तो पाँच का तीन गुना तो कितना होता है 15, और तीन का चार गुना कितना होता है, तीन का चार गुना होता है 12। अब बोला गया 15 जो है 12 से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, ज़्यादा कितना है, देखिए तो प्लस थ्री, इसमें प्लस थ्री करेंगे तब जाके 15 होगा, तो थ्री अधिक है। अब ये थ्री अधिक कितने से, ये जो 15 है थ्री अधिक कितने से, 12 से है, तो आप क्या लिखेंगे 3/12 × 100, तो ये क्या निकल जाएगा मोर परसेंटेज, ये क्या पता चल जाएगा मोर परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 3 से 1 और ये हो गया 4। अब 1/4 कहने का मीनिंग कितना होता है 25%। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 देखें तो 25% लिख देंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। यदि ए का 25% बी के 35% के बराबर है तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन में क्या बोला गया 25% ऑफ ए इक्वल टू 35% ऑफ बी। तो यदि हम यहां से निकालें कि ए बाई बी कितना होगा, तो ए बाई बी करें तो कितना आएगा, देखिए ए बाई बी के तो ये कितना हो गया 35/25 इंटू कितना हो गया। अब देखिए ये तो हमें ए बाई बी बोला कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बी का मान हमेशा कहाँ नीचे आएगा, या फिर आप ऐसे समझिए कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 3a = 4b ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ से a इज टू बी निकालने के लिए बोला गया, तो a इज टू बी क्या लिखेंगे 4:3, ठीक है 4:3 लिखेंगे। देखिए तो क्या करना है, इसको इस पार्ट को ढक लेना है, इस पार्ट को ढक के बाकी गुना करना है, तो यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद तो कुछ है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई 4:1 समझेंगे, तो यहाँ पे आ गया 35/100। अब देखो पूछा है कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब हमें करना क्या था, a बाई बी इंटू 100 करना था, तो a बाई बी इंटू 100 करना था, तो हम लोग क्या लिखेंगे 35/25 × 100। तो देखिए 25 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो 4, और 35 का 4 टाइम्स कितना होगा 140%, तो ये कितना परसेंट है 140% है, ओके। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ 35% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी इक्वल टू 45% ऑफ सी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी प्लस सी। यानी ए जो है बी प्लस सी का कितना परसेंट है। अब देखिए यदि मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, कुछ चीजें समझ लीजिए, यदि लिखा हुआ है 3a = 2b = 4c ऐसे लिखा हुआ है, तो यदि हमें ये पता करना हो कि a इज टू बी इज टू सी कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस वाले a का कोफिशियंट कितना है 3, तो इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, तो a का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हमें b फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब b वाले कोफिशियंट को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 3 = कितना हो गया 12। अब देखिए हमें c का फाइंड करना है, तो c वाले कोफिशियंट को छोड़कर इसको छोड़कर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3×2 = कितना हो गया 6, तो 8:12:6 का रेशियो हो जाएगा, जिसको आप कैंसिल कर देंगे 2 से, तो कितना हो गया 4:6:3 का रेशियो बनेगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी यही ट्रिक्स यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो यही ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे, ओके। देखिए इस ट्रिक को कैसे अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है 35% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी इक्वल टू 45% ऑफ सी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 35% ऑफ ए, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे हम यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 35% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी इक्वल टू 45% ऑफ सी, ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, ये परसेंटेज सब में से हट जाएगा और सभी 5 से कैंसिल है, तो 5 से ये 7 हो गया, 5 से ये 5 हो गया, 5 से ये 9 हो गया। अब यदि हमें यहाँ से a इज टू b इज टू c निकाल लें, तो हमें आसानी से पता चल सकता है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5 × 9 = 45, b का वैल्यू कितना हो गया 7 × 9 = 63, और c का वैल्यू कितना हो गया 7 × 5 = 35। अब बोला गया a b और c b प्लस c का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है 45/63+35, इसको यदि ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 98, 45/98 × 100, ठीक है,
ये परसेंट इतना परसेंट हुआ, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 4500 डिवाइडेड बाई 98% हुआ। 4500 डिवाइडेड बाई, या आप ऐसे भी सोचें, ठीक है इसको ऐसे भी सोचें तो दो से कैंसिल कर लें, दो से ये कितना हो गया 49, लेकिन कैंसिल करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझें कि 4500 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 98%। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 6। 75 पैसा 6 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो देखिए या तो इस रुपये को हम पैसे में बदल दें या पैसे को रुपये में, तो हमें रुपये को पैसे में बदलना ज्यादा ईजी होगा। रुपये को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 100 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे 75/6 × 100। और देखिए इस 6 रुपीज है तो इसको पैसे में बदलेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत हो गया। अब देखिए इसको कैंसिल करना है तो कैसे कैंसिल करेंगे, 100 100 कैंसिल हो गया, 75 को डिवाइड करना है तो 3 से कैंसिल कीजिए तो 3 से 25 और 3 से 2 तो कितना हो गया 12.5%। तो एक बार में आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 2 numbers are 20% and 25% मोर देन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट लेस है? देखिए तो एक थर्ड नंबर है, अभी थर्ड नंबर के बारे में हमें नहीं पता है, तो इस थर्ड नंबर को हम लोग कितना समझ लेंगे 100%। अब देखिए बोला गया है कि मोर है, दोनों नंबर क्या है अधिक है, तो यदि 100% थर्ड नंबर है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर में कितना ऐड होगा 20% ऐड होगा, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो होगा ये फर्स्ट नंबर होगा 120% होगा, और सेकंड नंबर जो होगा वो कितना होगा, सेकंड नंबर में देखिए 25% ऐड होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेकंड नंबर होगा 125% होगा, ठीक है ये होगा सेकंड नंबर। तो हमें दोनों नंबर पता कर लिया कि फर्स्ट नंबर है 120%, सेकंड नंबर है 125%। अब देखिए ऑब्वियसली आपका 120 125 से तो लेस ही है, तो कितना लेस है देखिए, तो कितना लेस है बोल सकते हैं तो 5% लेस है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि लेस परसेंटेज कितना बताएंगे, 5/125 × कितना लिखेंगे 100%। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1, और 5 से ये हो जाएगा कितना 25 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 4, तो इसका मीनिंग कितना परसेंट लेस है 4% लेस है। ओके आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ 30% ऑफ राजू इनकम इक्वल टू 0.40% ऑफ सोहन्स इनकम इक्वल टू 1/5 ऑफ केशव इनकम, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राजू सोहन एंड केशव। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.40 कहने का मीनिंग क्या हुआ कि 40%, और 1/5 कहने का मीनिंग क्या हुआ 20%। देखो इतना यदि आप लिख दिए क्वेश्चन में तो आसान हो गया, सब में देखो सब में जीरो और परसेंटेज हट गया, तब हो गया 3 times ऑफ राजू इनकम इक्वल टू 4 times ऑफ सोहन इनकम इक्वल टू 2 times ऑफ केशव इनकम, ठीक है। तो राजू और सोहन और केशव के इनकम का डायरेक्ट रेशियो आप लोग लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जिसको फाइंड करना उसका कोफिशिएंट छोड़कर बाकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2 = कितना हो गया 8। अब देखो इसको हमें फाइंड करना है तो 4 को छोड़ के 2 × 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसको फाइंड करना है तो इसको छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 = कितना हो गया 12। सबको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 से कैंसिल 3 और 2 से कैंसिल हो गया 6, ठीक है। क्या क्या हमने देखिए, हमें राजू का इनकम फाइंड करना था तो इसको छोड़ के या कोफिशिएंट कितना बचा 4 और 2, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो राजू का हमें इनकम पता चल गया। जब हमें सोहन का फाइंड करना था, सोहन वाला वैल्यू फाइंड छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, राजू और केशव वाला वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। जब केशव वाला फाइंड करना था, केशव वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन रोहित अटेम्प्टेड 35% ऑफ टोटल क्वेश्चन ऑफ 200 क्वेश्चन का 35% अटेम्प्ट किया, तो इसका मीनिंग तो आप समझ गए, 35% हो गया तो कितना हो गया 70 क्वेश्चन। इन विच 60% ऑफ द अटेम्प्ट क्वेश्चंस आर करेक्ट, जिसमें 60%, तो 70 का 60% ऑफ कितना हो गया 42 क्वेश्चन, तो हमें पता चल गया कि कितना क्वेश्चन होगा 42 क्वेश्चन होगा। वाइल मोहित अटेम्प्ट 40% ऑफ टोटल क्वेश्चन ऑफ 250, तो 250 का 40% कितना हो गया 100, ये पता चल गया। अब फिच 50% आर करेक्ट, तो देखिए इसका 50%, तो 100 का 50% कितना हो गया 50, यानी 50 यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ पे कितने करेक्ट हैं 45 करेक्ट हैं, ठीक है। अब पूछा गया क्या, देन करेक्ट क्वेश्चन बाय रोहित इज व्हाट परसेंट लेस देन द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ मोहित, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए
ये तो बहुत, बोला कि एक परीक्षा में 200 प्रश्नों में रोहित 35% प्रश्न का जवाब देता है जिसमें 60% सही जवाब होते हैं। तो 200 का 35% 70 हो गया, 70 का 60% 42 जवाब सही हुए। अब मोहित तो जो है 250 का 40% करेक्ट आंसर, 250 का 40% क्वेश्चन का जवाब देता है, इसका मतलब 100, और 100 का 50% सही है, इसका मतलब 50 क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है तो रोहित का सही जवाब मोहित के सही जवाब से कितना प्रतिशत कम है। देखिए तो रोहित का अब जवाब तो हमें पता है, रोहित का करेक्ट आंसर कितना है 42, और हमें मोहित का करेक्ट आंसर पता है कितना 50, तो इससे कितना कम है 8 कम है, तो परसेंटेज लेस हमें पूछा गया, तो लेस परसेंटेज कितना बताएंगे 8/50 × 100, तो 8/50 × 100 करेंगे तो 50 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 8 का 2 टाइम्स कितना 60%, 16% कम आंसर उसके करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और देखिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अनोखा तरीका मैंने बताया कि जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसको सॉल्व कर देंगे, तो आपके दिमाग आपके लिए लास्ट में कैलकुलेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आप आंसर को टिक आउट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अप्रोच इस तरह से लगाते हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यदि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हैं तो आप हमें classtubeplus@gmail.com पे सेंड करें, हम अपने डाउट सेशन में इसको आपको जरूर बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।